हजारीबाग रामनवमी महासमिति का अध्यक्ष चुनाव चल रहा था और डिसीजन लगभग आ गया है। सूत्रों से ये पता चल रहा है कि ज्योति यादव जो है वो जीत रहे हैं। आइए जानते हैं पूरा माहौल क्या है। तो ये देखिए, रामनवमी महासमिति का आज अहम चुनाव जो चल रहा था, 3 बजे तक वोटिंग खत्म हो गई, उसके बाद काउंटिंग चल रहा था। काउंटिंग के बाद आप देख सकते हैं जीतू यादव के समर्थक पूरा यहाँ पे खड़े हुए हैं और लग रहा है कि वो जीत जाए। जीतू यादव के समर्थक हैं आप? जी जी, वही जीत रहे हैं, वही जीतेंगे। वही कहाँ के हैं जीतू यादव? हुलुड़ू के हैं। हुलुड़ू के हैं, क्या है, कैसा करते हैं, क्या करते हैं? कुछ अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है, हाँ। तो सही डिसीजन लिया गया? हाँ, सही डिसीजन लिया गया। सबको लेके चलने वाला आदमी? हाँ, सबको लेके चलने वाले। सामाजिक आदमी है, अच्छा आदमी है। पहले सामाजिक का कार्य करते रहे? हाँ, बस शुरू से करते रहे, सामाजिक आदमी है और रहेंगे। आप बताइए जीतू यादव, हाँ आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पे जो समर्थक हैं जीतू यादव के जो है काफी खुश हैं। यहाँ पे आइए देखिए किस तरह से जो माहौल है यहाँ पे जीतू यादव के समर्थक का इंतजाम कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं इधर नहीं जाए, कहे उधर मत जाइए, उधर हल्ला गुल्ला हो रहा, शोर मच रहा है। शोर मचाने वही दिखा रहा है ना, दिखाना था। जाइए आइए आइए। आप किसके समर्थक हैं? हम जीतू यादव के समर्थन में हैं। जीतू यादव के समर्थन में हैं? जी हाँ। हुड़ू से आए हैं? हाँ, हुड़ू से आए हैं। देखिए यहाँ पे जीतू यादव के समर्थकों की यहाँ पे भीड़ है और ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे जीतते नजर आ रहे हैं। बस कुछ ही देर में जो है वो बाहर निकल के आएंगे और उसके बाद फिर ये बड़ा अखाड़ा का जो माहौल है आप देखिए किस तरह से पूरे हजारीबाग से यहाँ पे लोग आए थे और इंतजार कर रहे थे कि कौन जीतेगा इस बार का चुनाव। और लगभग ये फैसला आ गया है कि ये देखिए समर्थकों का जो हल्ला है यहाँ पे शुरू हो गया है, मतलब बिल्कुल फाइनल के बराबर है यहाँ पे। लगभग यहाँ फाइनल हो गया है क्या? जीतू यादव जीत गए। तो ये देखिए डिसीजन आ चुका है यहाँ पे। जीतू यादव कैसे कैंडिडेट हैं? ठीक है। हाँ, सवाल लेगा, बहुत अच्छा कैंडिडेट है। तो जीतू यादव के समर्थक में जो है वो पूरा का पूरा हजारीबाग रामनवमी महासमिति का जो अध्यक्ष हैं उनको बना दिया गया है। आप देखिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे काउंटिंग चल रही थी। आप हाँ, क्या है अभी वोटिंग चल रहा है? त्रिशूल का हो चुका है, अभी संघ का भी वोटिंग मतलब चल रहा है, मतलब काउंटिंग चल रहा है। अभी देखना है कि क्या होता है। आगे है अभी जीतू यादव, वोट से आगे है? 54 से ऊपर चाहिए। हाँ, जीतने के लिए 54 से ऊपर चाहिए। जीतू यादव बचा हुआ है काउंटिंग? बस इन्हीं का बचा हुआ है काउंटिंग, हाँ लास्ट बचा हुआ है। पार ही जाएगा लगता है। हाँ हाँ, 10 मिनट, 5 से 10 मिनट। 54 वोट से आगे चल रहे थे जीतू यादव। एक और बॉक्स है वो खुलना बाकी है, लगभग खुल ही चुका है और लोग एकदम कह रहे हैं कि जीतू यादव जो है वो जीत जाएंगे और ये चुनाव जो है रामनवमी के नए अध्यक्ष के रूप में उनको बना दिया गया। उनके समर्थक जो है बाहर पूरी तरह से भीड़ लगा के खड़े हुए हैं। आप देखिए बड़ा खड़ा चौक का यही जो है माहौल है।
लगभग डिसीजन हो चुका है और जीतू यादव जो है वहाँ पे काउंटिंग के एरिया से निकल के अब आएंगे और यहाँ पे आके सबसे पहले पूजा पाठ करेंगे। तो देखिए उनके समर्थक इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि जीतू यादव किसी भी टाइम में निकलेंगे वहाँ से। अध्यक्ष, नया अध्यक्ष चुना जा चुका है और ये देखिए आ गए यहाँ पे, इधर आइए। कितना 66 टोटल वोट आया, 66 वोट से जो है वो जीत गए हैं। आइए दिखाइए, आपको दिखाते हैं कौन जीता किसने जीता। हाँ, देख सकते हैं स्क्रीन पे आप, नए जीतू यादव जी अभी गए अंदर, देखिए पूजा करके, पूजा करने के लिए गए हैं। अरे बंद करो, मुझे शांति शांति बनाइएगा, शांति बनाइएगा, आप लोग शांति बनाइएगा। बोला जाए, बोला जाए, क्या हुआ डिसीजन बताइए। सुजीत भैया ये राम लला के दीवाने हैं, राम के काज में लगे हुए हैं और ये सभी राम लला के दीवाने हैं। आज बड़े ही गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच हमारे रामनवमी महासमिति का नेतृत्व करता जीतू यादव जी हैं और सभी राम भक्त जो है भव्य रामनवमी निकालेंगे जीतू यादव जी के नेतृत्व में। यही नए कैंडिडेट आप देख सकते हैं, हुड़ू के जीतू यादव जो हैं वो आप अभी देख सकते हैं, लोगों ने उनको कंधा पे उठा लिया है और जश्न जो है वो मना रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जीतू यादव के समर्थक यहाँ पे पहुँच गए हैं और जश्न जो मन रहा है जीतू यादव जिंदाबाद, जीतू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो यही स्क्रीन पे जो खड़े हैं आप देख सकते हैं नए अध्यक्ष, रामनवमी महासमिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं। पिछली बार जो अध्यक्ष थे वो कुणाल यादव थे, इस बार जीतू यादव बने हैं। तो हजारीबाग रामनवमी में जो है अध्यक्ष के चुनाव संपन्न हो गया है। जैसा कि बताया गया था कि आज 4 बजे ये डिसीजन आ जाएगा और ठीक टाइम पे ये डिसीजन आ गया कि नए अध्यक्ष जो है रामनवमी महासमिति के जीतू यादव जो है वो बन गए हैं और उनका उनका नाम जो है वो हुड़ू से बिलोंग करते हैं, हुड़ू एरिया से आते हैं जीतू यादव जी, नए अध्यक्ष। आप देख सकते हैं स्क्रीन में जो माहौल है यहाँ पे बड़ा अखाड़ा का, यही माहौल है। तो आप कह सकते हैं कि अब रामनवमी का जो है उफान में रामनवमी जो है पहुंच गया। हजारीबाग के अध्यक्ष चुनने के बाद अब बहुत सारी गतिविधियां यहाँ पे बढ़ जाएंगी इसी को लेकर। जो पहला जो था ये पुराने अध्यक्ष जो हैं, पिछले बार जो अध्यक्ष कुणाल यादव उनसे बात करेंगे, नए अध्यक्ष जीतू यादव जी बन गए हैं, अब बताइए क्या रहेगी आगे की। नहीं, इस वर्ष जो चुनाव हुआ चुनावी प्रक्रिया में जीतू यादव ने जीत दर्ज की है और युवा है जीतू यादव, तो हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में रामनवमी ऐतिहासिक होगी और हम सब पूर्व महासमिति अध्यक्ष हो या शहर के गणमान्य लोग हो, अब जीतू यादव की अध्यक्षता में हम लोग उसको साथ लेकर रामनवमी को ऐतिहासिक बनाने का प्रयास करेंगे। पिछली बार देखा था हम लोगों ने कि जितने पहले के अध्यक्ष थे सब एक मंच पे आए थे, मीटिंग किया था, उसके बाद फिर प्रोग्राम शुरू हुआ था, इस बार क्या वैसा ही रहेगा? हाँ, इस बार भी वैसा ही रहेगा कि पूरे समाज के लोगों को एकत्रित करने का प्रयास किया जाएगा।
इस बार भी हम लोग यह प्रयास करेंगे कि पिछले बार जो लकीर खींची है उससे बड़ी लकीर इस बार खींचा जाए। इस बार हम लोगों का यह भी प्रयास रहेगा कि शांतिपूर्ण रामनवमी संपन्न करें, चूंकि इस बार जिम्मेवारी अधिक हो जाती है। इस बार आचार संहिता लगा हुआ है, वोट का टाइम है, पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, तो इसको देखते हुए हम लोग यह प्रयास करेंगे कि शांति के साथ और अत्यधिक उत्साह, उमंग और भय मुक्त माहौल में, नशा मुक्त माहौल में भगवान प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे। बिल्कुल, तो ये थे पिछले बार जो रामनवमी के अध्यक्ष थे महासमिति के कुणाल यादव जी, बता रहे थे। अब जो नए अध्यक्ष हैं वो जीतू यादव बन गए हैं और वो हुरू से बिलोंग करते हैं। चुनाव जो है आज 3 बजे शुरू हुआ, काउंटिंग जो है 4 बजे शुरू हुई और उसके बाद आधे एक घंटे में जो फैसला आ गया और नए जो अध्यक्ष बने हैं महासमिति के वो है जीतू यादव।